शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले पत्रकारों के एक फर्जी गैंग को पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में ये चर्चा थी कि कुछ बाहर के लोग आकर क्षेत्र में कई जगह व्यापारियों के पास पहुंचकर अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेकर औद्योगिक नगरी पीथमपुर प्रेस क्लब के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इस बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। वही पुलिस से इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कल मेरे कार्यालय में पीथमपुर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एक लिखित ज्ञापन दिए थे कि पीथमपुर में कुछ फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को अपने आर्थिक लाभ के लिए कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सेक्टर 1 श्री लोकेश भदौरिया और उनकी टीम को इस संबंध में लगाया गया। तो करीब 8 बजे ये पुष्पा यादव नाम की एक फर्जी पत्रकार और उसके साथ में अमित, कपिल, कमल, पवन, 384 का पाए जाने से तत्काल सभी को राउंड अप करके थाने लाया गया और 5 प्रकरण 384 के पंजीबद्ध किए गए हैं। और जिनके साथ इन्होंने थ्रेट किया था वो भी यहाँ पर आके FIR करवाए। कल रात में 7 फर्जी पत्रकारों को मैं SUV गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें कमल नाम का आरोपी है, वो घराना कराने वाला है, जो 376-366 का आरोपी। वही खबर उन्नाव से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। आदमी मरते दिन का काम कर रहे हैं और ट्रेन से कट गए हैं, समोसा गांजे पी रहे हैं, उन्नाव कह रहे हैं। क्या करने गए थे वहाँ? समोसा बेचे भाजित भाजित स्टेशन स्टेशन नांगे लग रहे हैं। हाँ सर, ये ऐसा हुआ, स्टेशन पे रिंकू सेठ एक है तो उन्हीं को वहाँ काम करता था समोसे का, वे समोसा बेचता था, कोई टेट आई होगी, अब पता नहीं, चढ़ते इसका पैर फिसला है, अब यानी कैसे उतरते समय तो गाड़ी नीचे चला गया, तभी जो है इसके 2 खंड हो गए। बाद में हम लोगों को खबर मिली गरीब, तब हम लोग परिवार सहित आए हैं। वही खबर उन्नाव से है, जहां पर फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर जलवायु हड़ताल का आयोजन किया गया और इस हड़ताल में आपको बता दें कि उन्नाव समेत भारत के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के कुल 12 शहरों में का आयोजन था और तकरीबन 100 से अधिक युवा और स्कूल के छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और इस विषय में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए इन युवाओं ने डिपिक्शन रैली, पोस्टर एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता भी कराई। प्रमुखता से उन्नाव की और भारत की पर्यावरण समस्याओं पर लोगों को जागरूक किया गया और बिगड़ते जलवायु को व्यवस्थित करने के लिए ठोस नीति बनाने की भी मांग की गई है। ये रैली DM ऑफिस से हरदोई पुल तक जाएगी और फिर हरदोई पुल से DM ऑफिस तक वापसी है। लोगों को हम जागरूक करते हुए जाएंगे, उसके साथ साथ हमने कुछ कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताएं भी रखी हैं, जहाँ पे जितने भी यहाँ पे अभी मौजूदा लोग हैं ये लोग थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब बोलेंगे और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज से संबंधित, क्योंकि अभी हम लोग एक अधिकारी से मिलने गए थे तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उसमें ये चीज़ सामने निकल के आई कि उन अधिकारी ने हमसे कहा कि क्लाइमेट चेंज बुरा नहीं है, क्लाइमेट चेंज में कोई बुराई नहीं है और उन्होंने हमसे कहा हमने इसमें PG किया हुआ है और वो हमसे ये चाहते थे कि हम इस चीज़ के ऊपर कोई स्टेप्स ना लें और हम इस पर आगे ना बढ़ें क्योंकि इसमें कोई आगे स्कोप नहीं है और कुछ काम नहीं, देखिए जानते हम भी हैं कि इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है। वहीं बदायूं जिला जज पंकज अग्रवाल ने प्रेमी युगल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के मामले में पिता पुत्र समेत 2 सगे भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है। प्रेमी की शादी के बाद करने के लिए घर पर बुलाकर हत्याकांड हुआ था और 2017 में हुए इस मामले में सुनवाई के बाद पुलिस की पैरवी के बाद ये प्रकरण गुरुवार देर शाम अंजाम तक पहुंचा और सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 14/5/17 की घटना है, इसमें वादी पप्पू ग्राम बुलाएगा थाना बजाना की लड़के गोविंद की हत्या जो है
उसको घर में बुला के उसको बुलाया गया और उसकी लड़की से एक किशन लाल जो अभियुक्त है इसलिए उसकी बेटी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, शादी का बहाना लेके बुलाया गया उसको और उसके बाद उसकी दोनों को हत्या कर दी। जब वो लड़की बचाने को आई तब उसको भी हत्या कर दी, तो दो लोगों को मार दिया। हाँ, दो लोगों और उनमें ही और कुल्हाड़ी और फर्से से इन दोनों लोगों की हत्या की। कब का मामला है ये? ये है 14/5/17 की दिन के 11 बजे की, वजीरगंज के जी ग्राम हो रहे ना। कितने लोगों को फंसी हुई? ये 4 लोगों के लिए, किशन लाल की बेटी थी और इसकी माँ है, पत्नी है जलधारा जो लड़की की माँ है आशा की, और दो इसके भाई है विजयपाल और राम। वहीं बाराबंकी में राष्ट्रीय जागरण मंच और अखिल भारतीय कास्ट महासभा के संयुक्त तत्वाधान में महान हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम संयोजक और अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मनोरंजन जगत में हास्य विधा को सम्मानजनक रूप से स्थापित करने वाले गजोधर भैया प्रथम कलाकार। वही खबर झांसी जिले से है जहां पर एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वही प्रदर्शनी में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा में उसी क्रमशः आज हमारा वोकल फॉर लोकल, हमारे लोकल के उत्पादों को बृहद स्तर पर उसको बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देना, ओडीओपी प्रोडक्ट एक जनपद एक उत्पाद के प्रोडक्टों को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। इसका कार्यक्रम हुआ था जिसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ के CDO साहब तो रहमत जी ने की थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुकेश मिश्रा जी रहे थे और हमारे पवन गौतम जी रहे थे। इस प्रदर्शनी में आपको ऐसी चीज़ें खास मिलेंगी कि जैसे आज हमारा जिस जैसा सम्मान किया गया जिस शॉल से, वो शॉल ही इस प्रदर्शनी की में बिक रही है। इस प्रदर्शनी में टेडी बियर बिक रहे हैं, इस प्रदर्शनी में आपको इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ मिलेंगी, ग्लास पर प्रिंटिंग हो रही है, दीवार पर प्रिंटिंग हो रही है, इसमें आपको गणेश जी के इतने अच्छे अच्छे चित्र दिखेंगे, जो हमारी मिट्टी के बर्तन दिखेंगे, मिट्टी के आप पीछे देखेंगे तो पानी के बहुत अच्छे अच्छे मोटर लगे हुए हमारे शोपीस आइटम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा निर्मित वस्तुएँ। और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में समाज सेवी द्वारा 30 स्ट्रेचर दान दिए गए हैं। अस्पताल परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर महापौर अजय मिश्रा के द्वारा स्ट्रेचर संजय गांधी अस्पताल प्रबंधक को सौंपे गए। महापौर अजय मिश्रा ने समाज सेवी का धन्यवाद देते हुए कहा कि संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की तुलना में सीमित संसाधन और ऐसे में समाज सेवियों द्वारा स्ट्रेचर दान कर पुनीत कार्य किया। मैंने 30 वर्ष सेवा गवर्नमेंट की सेवा किया, तीनों लड़ाई में मैंने सन आपको 62 में और 65 में 71 में तीनों में एक्टिव पार्ट लिया हूँ उस टाइम पर के। आज मेरे पास कई बहुत से मेडल हैं, मैं उनको वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैं नारायण सेवा संस्था में 3,61,000 रुपया ऑपरेशन हेल्प दे करके आया हूँ। मैं इसी प्रकार से अपने गांव के अंदर जितने गरीब बच्चे हैं जिनके शादी नहीं, गरीब बहुत हैं, उनके लड़कियों को शादी के लिए कुछ पढ़ाई के लिए खर्चा। सूबेदार मेजर शर्मा जी के द्वारा, रमेश शर्मा जी के द्वारा ये स्टेटर 30 संजय गांधी में दान किए गए। इनके द्वारा पहले भी नारायण सेवा संस्थान में 3 लाख के स्टेचर दान किए गए थे। आपके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह में भी योगदान किया गया, जो गरीब बच्चे थे उनकी पढ़ाई में भी बड़ा आपने योगदान किया। आप अपने रिटायरमेंट के पैसे से इस तरह के पुनीत कार्य करते जा रहे हैं, आपके इस कार्य से हमारे शहर को एक प्रेरणा मिली है। और जो समाज सेवी लोग हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि संजय गांधी एक हमारे संभाग का बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर सरकार के उस अनुदान से उतना काम नहीं हो सकता है। अगर समाज सेवी इस तरह के जैसे आज शर्मा जी हमारे मेजर साहब सूबेदार जो हैं थे, वो उन्होंने जैसा एक किसान सर मालूम नहीं चला। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है जहां पर शराब के नशे में युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और स्थानीय लोगों ने युवक के ऊपर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन युवक बुरी तरीके से झुलस गया था, जिसे इलाज के लिए बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। पता नहीं सर मालूम नहीं चला, बाहर गया पेट्रोल लिया हुआ था डब्बे में और चौराहा नीम चौराहा में आके और सीधे ऊपर डाल के आग लगा लिया। फिर वहाँ के जो अगल बगल वाले आए थे सबसे तो पेट्रोल आग बुझाएं। सर क्या कारण क्या था कुछ? अब कारण सर नशा करते हैं। इनके माता पिता? पिताजी तो खत्म हो गए, 5 साल हो गए। मम्मी हो गए, कभी आती कभी गांव चली जाती है, यहाँ रहती नहीं है। यहाँ भतीजा इनका भाई बस रहता है छोटा, जिसका नाम विभू चतुर्वेदी है। इनका खाना खर्चा कैसे चलता? खाना किराया पाते हैं दुकान का, हिस्सा बटा हुआ है सबका, अलग अलग हिस्सा बटा हुआ है सर। कितने वर्ष के हैं ये?
ये 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं शादी नहीं, पता नहीं सर मालूम नहीं चला। वही खबर सहारनपुर से है जहां पर सड़कों का बुरा हाल है। एक तरफ प्रसिद्ध दूधार मेला लगा है जहां दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मेला स्थल पर पानी और कीचड़ होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। वही खबर फिरोजाबाद से है जहां पर वार्ड नंबर 56 की जनता का कहना है कि उनके वार्ड का हाल बहुत खराब है। नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, बच्चे इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों ने पार्षद से शिकायत की तो पार्षद का कहना है कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था तो इसीलिए हम आपके वार्ड का काम नहीं करेंगे। वार्ड नंबर 56 की जनता इससे काफी हताश है। पानी पड़ा, दो दिन से पानी पड़ रहा है और यहाँ काफी पानी भर चुका। तो यहाँ जो मौजूदा पार्षद था उससे कही कही होगी मोहल्ले वालों ने, तुमने कही पार्षद ने क्या कही? पार्षद नहीं आया तो पार्षद मिले भी नहीं आप? नहीं आए पार्षद कल से। ना पार्षद आया तो ये पानी कौन निकलवा रहा है यहाँ? तुम भी खड़े हो रहे हैं भाई, से निकलने की रास्ता भी नहीं, इधर उधर भड़क रहे हैं, क्या करें? बस्तियों को डाल रखी है नाव, इससे निकलना है। तो फिर आप अपने पार्षद से क्यों बात नहीं पार्षद की? पार्षद से बोला, पार्षद आता ही नहीं है। उसके पास जा तो कहता हाँ मैं आ रहा हूँ, ज्यादा बोला तो उससे कहता उठा के रख लो, उसको उठा के रख लो, सीधे बोलता वो तो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो नगर निगम से गए आप लोग? नगर निगम से आते कोई नहीं है, कोई एंड नहीं उसकी भी। महापौर जी आई हैं? कोई नहीं है, नहीं आया। आप उनके पास गए थे? नहीं अभी जी गए नहीं, कल बता रहे थे इस भेजा गया था कल यहाँ वीडियो डाली, बहुत कोई नहीं आया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने हो जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फील द पावर ऑफ इंजन, back on